नफरत की आग, बुझाएगी नफरत की आग, बुझाएगी नफरत की आग। कम कोलकाता ऐसा लगता है कि शाहीन बाग का अगर सचमुच में किसी ने हक अदा किया है तो ये पार्क सर्कस का शाहीन बाग है। और मैं शुरू से कहता आया हूं, आपने बारहा मीडिया चैनल्स पे देखा होगा कि मैंने कहा कि शाहीन बाग सिर्फ मोहल्ला या जगह नहीं है, बल्कि आज शाहीन बाग एक सोच बन गई है। शाहीन बाग हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र बन गई है। यह शाहीन बाग है, यह शाहीन बाग की सोच पूरे हिंदुस्तान में फैलाने के लिए हमारी पूरी टीम जो है पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेगी। एक टीवी चैनल के एंकर ने मुझसे पूछा, मुझसे कहा कि जामा साहब, क्या आप लोग शाहीन बाग की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं? क्या आप लोग शाहीन बाग के फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं? मेरे पास 15 की लिस्ट आई है। मैंने कहा गलत कहते हैं आप, 15 की लिस्ट अपने जेब में रख लो, मैं 400 की लिस्ट दे देता हूं। और यकीन मानिए, जिस तरीके से जन समर्थन बढ़ रहा है, जिस तरीके से आपका सहयोग इस आंदोलन को मिल रहा है, अगले एक महीने के दौरान 4000 शाहीन बाग बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो शाहीन बाग जो है आज इतना बड़ा आंदोलन बन गया है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद कोई पहला ऐसा आंदोलन है, कोई पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें औरतें अपने दम पर, अपने बल बूते पर एक आंदोलन चला रही है। अपने लिए तालियां बजाइए। आपको याद होगा ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा था, ये बीजेपी वाले ये नागपुरी खटमल कहा करते थे कि ये मुसलमान बहनें तो हमारी बहन है, हम इनकी मदद करने आए हैं, आप लोग जो है मुल्ले मौलवी लोग इनको घरों में जो है बंद करके रखते हैं। मैंने कहा याद रखो मोदी सरकार, कान खोलकर सुन लो, ये अभी अपने घरों में है इसलिए तुम चैन से सो रहे हो, जिस दिन ये बाहर निकल गए तुम्हारा पौधा हिला देगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप बड़े मजबूती से डटे हैं, आपको देखकर हमें फख्र होता है। आइए, जो आंदोलन चल रहा है ये आने वाले 70 सालों की हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा और दिशा को बदलेगा। और दो विचारधारा की लड़ाई यहाँ पर चल रही है, एक विचारधारा जो है वो गोड से सावरकर, गोलवालकर और जिन्ना जैसे लोगों की है, और दूसरी विचारधारा गांधी, अंबेडकर, मौलाना आजाद और शाहीन बाग की है। हमें फख्र है कि हम गांधी और मौलाना आजाद की विचारधारा को मानने वाले हैं। हमने पूरे देश में अभियान चलाया है कि 1 अप्रैल से जो NPR सरकार ने लागू किया है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। एक भी आदमी NPR में अपना कोई भी कॉलम नहीं भरेगा। हम NPR का पूरे देश में बहिष्कार करते हैं। क्या आप लोग भी करोगे? क्या आप लोग भी करोगे? सुन लो मोदी सरकार, कलकत्ता से ऐलान हो गया है हमने NPR का बहिष्कार कर दिया, अब तुम बाज आ जाओ वरना ऐसे ही मोती खाती रहोगे। दूसरी बात मेरे साथियों, 1 तारीख को यहाँ आपके बीच कोई ऐसा भड़काने वाला आने वाला है, कोई तरी पार आने वाला है। अगर वो आपको यहाँ आके भड़काए तो किसी के बहकावे में मत आना और संयम से काम लेना, क्योंकि शाहीन बाग किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता है।
शाहीन बाग शांतिपूर्वक तरीके से रहता है, शाहीन बाग हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करता है और शाहीन बाग नफरत को मिटाने का काम करता है। इसलिए हमें इससे किसी किस्म के बहकावे में नहीं आना है और बंगाल को किसी किस्म के बहकावे में नहीं आने देना है। मैं शुक्रगुजार हूँ ममता दीदी का जिन्होंने आप लोगों का साथ दिया और ममता दीदी ने सबसे पहले यहाँ पे NPR NRC का बहिष्कार किया, विधानसभा में पारित किया। ममता दीदी अब आपके कर्जदार हो गए हैं। मुझे लगता है कि जो बंगाल से आवाज निकली है वो पूरे हिंदुस्तान के कानों में गूंजेगी। मैं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश नहीं है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। अब एक छोटा सा नारा लगा दीजिए, मैं कहूंगा कुछ, आप कहेंगे शाहीन बाग शाहीन बाग। बुझेगी नफरत की आग, बुझेगी नफरत की आग, बुझेगी नफरत की आग। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।